जय हिंद। मैं नंदलाल विश्वकर्मा, नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर, फिर से आपका स्वागत करता हूँ। श्रीमान, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज के हम वीडियो में बात करने वाले बीएसएफ टेनमेंट के जो रिजल्ट है उसको कैसे चेक करें। आपको डायरेक्ट मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर मैं चेक करूंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। साथ में ये बात करूंगा जिसका मेडिकल डेट है कब से शुरू हो गया है, साथ इसके साथ एक बार जो इसका कट ऑफ है कितनी गई है, ये पूरा प्रोसेस बात करने वाला है। दोस्त, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर पल की सारी की जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएसएफ टेनमेंट का रिजल्ट को लेकर। क्लियर हुआ? देखिए, मोबाइल स्क्रीन ऑन करते हैं, इसमें सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पे। गूगल पे आपको कुछ नहीं करना है, बगल में दिख भी रहा हो बीएसएफ लॉग इन करना है। ठीक है, बीएसएफ जब आप लॉग इन करोगे तो सबसे पहला वाला ही पेज खुल जाएगा। ये वाला देखना दोस्त, सबसे फर्स्ट वाला ही पेज खुलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जब क्लिक करोगे तो एक आएगा यहाँ पे, ये बीएसएफ का लोगो आ जाएगा। बीएसएफ आपसे ये सीएससी वाले पे नहीं करना है, आपको कैंडिडेट लॉगिन पे करना है। यहाँ से भी आप कर सकते हो या फिर आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। देखो, ये आपका जो आ गया यहाँ पे, यहाँ प्रोसेस आप देख लो दोस्त। यहाँ पे देख, ये आ गया जो ये हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट वाला, ये कौन सा हेड कांस्टेबल? रेडियो ऑपरेटर वाला है। और नीचे एक और है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल। जो भी कोई भी नोटिफिकेशन आपका आएगा जैसे बीएसएफ टेनमेंट के रिजल्ट को लेकर, तो ये सारा यहाँ पे नीचे प्रकाशित कर दिएगा, क्योंकि आपको देख रहे हो बीएसएफ टेनमेंट का है। ठीक है, तो ये सभी को विशेषतः ध्यान देना है। आपको विशेष ये नहीं कहना है कि सर बीएसएफ टेनमेंट का रिजल्ट कब आ गया। ये देखो, जैसे कि ये है हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिकल और ये हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का, तो इन दोनों का 20 नवंबर को इसका फाइनल रिजल्ट दे दिया गया है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को डेट को हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, ये रिजल्ट हो गया। लेकिन बीएसएफ टेनमैन की मैं बात करूं, बीएसएफ टेनमैन का, तो टेनमैन का भी रिजल्ट नहीं दिया गया। ठीक है, हाँ ये है कि बहुत से कैंडिडेट टीम के सर कब तक आ जाएगा। दोस्त, मैं आपको बता दूँ, इसी महीने का लास्ट तक आ सकता है। लास्ट तो आज खत्म ही हो गया अपना फर्स्ट वीक, तो मतलब किसी को अभी कुछ भी एक्चुअली बिल्कुल डेट नहीं पता है। ठीक है, कि कोई कुछ भी बता दे। हाँ, हालांकि मैंने पिछले वीडियो बनाया था कि इस महीने के लास्ट तक आ जाएगा, लेकिन नहीं आया, इस बात का मुझे खुद दुख है। ठीक है, क्योंकि अभी डायरेक्ट अभी उतना हमें भी, हम लोग भी पता नहीं होता, डायरेक्ट किसी अलावा पूछ के ही हम लोग बताते हैं। ठीक है दोस्त, चूंकि अभी ये नहीं कि है तो भाई ये सब कुछ हमें ही पता है, सचिव कोई बोर्ड है नहीं यार, दिक्कत मिस इस पॉइंट को है। तो आपको कुछ नहीं करना है डेली, बस आपके सिंपल यही करना है कि आप गूगल में बीएसएफ लिखो, बीएसएफ लाके डायरेक्ट चेक करो, और कोई भी रिजल्ट आया होगा तो यहाँ पे सिंपल ऐसे करके शो कर देगा कि बीएसएफ टेनमेंट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर दी बीएसएफ टेनमेंट रिजल्ट बीएसएफ टेनमेंट कांस्टेबल, यहाँ सिंपल लिख देगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत कुछ देखने उड़ने वीडियो ज़्यादा कुछ पूछने होते कि चक्कर ये मत, ज़्यादा टेंशन लेने की नहीं जरूरत नहीं है। बस ये है कि एग्जाम हुआ है, फिजिकल हुआ है, तो भाई थोड़ा टेंशन नहीं है कि भाई कब तक आएगा सर। ठीक है, तो आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। ये है कि बहुत से कैंडिडेट भी कह रहे हैं 26 जनवरी के अकॉर्डिंग थोड़ा लेट हो रहा था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोस्त, आप बिल्कुल घबराओ ना, इसका रिजल्ट जल्दी घोषित करने वाला है अपना बीएसएफ वेबसाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और मैं इसके साथ साथ ये भी बात कर लूँ, जो बीएसएफ टेनमेंट की मेडिकल स्टामिनेस मात्र उसकी 21 दिन बाद, ठीक है दोस्त, 21 दिन, 21 दिन बाद आपका रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा मेडिकल के लिए। ठीक है, उसके ये तो नोटिफिकेशन आ गया अपना, पहले ही बता दिया गया था, अगले बार जो नोटिफिकेशन आया था भर्ती का उसमें सिंपल दे दिया था कि 21 दिन बाद आपको नोटिफिकेशन ये जारी कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, और इसके साथ से मैं एक बता दूँ, जो इसका मेडिकल डेट रहने वाला है, यहाँ तो आप सिंपल ये भी कर सकते हो, मेडिकल डेट तो 21 दिन बाद ही होगा, लेकिन इसके बाद से अपना क्या होगा, ये प्रोसेस चलेगा कट ऑफ की चलेगी। तो कट ऑफ तो देखो दो 70 प्लस ही जाएगा, 75-70 प्लस ही जाने वाला है, चाहे वो कोई एवरेज हो, ओबीसी का हो या जनरल का हो, एवरेज यही हुआ 3 से 4 के करीब में। तो कट ऑफ वीडियो हम नहीं देखो तो वीडियो मैंने बना दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त वीडियो अच्छा लगा। बाकी मेन मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जब भी आएगा रिजल्ट मैं आपको बता दूंगी एक वीडियो बनाने का, और आप बिल्कुल घबराओ मत, जब भी होगा मैं आपको तुरंत एक वीडियो बना के शो करूंगा। ठीक है, और इसके साथ मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल इधर उधर ज़्यादा वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है। बीएसएफ टेनमेंट का रिजल्ट कब आएगा, आप सिंपल एक काम करना, बीएसएफ पे डायरेक्ट गूगल में जाओ, यहाँ पे बीएसएफ टाइप करो, और सिंपल ऐसे यहाँ पे अगर होगा तो आपको यहाँ पे सिंपल यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, और भाई यहाँ से भी आप आराम से देख सकते हो कि भाई बीएसएफ टेनमेंट का रिजल्ट आ गया, फिर आ गया तो डायरेक्ट इस पर क्लिक करो। देखो, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, ये हेड कांस्टेबल रेडियो का है, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर रखो, ये देखो अब आ गया, इसे डायरेक्ट ओपन करो भाई, हो गया पूरा अपना डिटेल निकल गया, बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक है। ठीक है, अब ये पूरा रिजल्ट ही रिजल्ट है, कितना कट ऑफ गया था, 83, 85, 92, गरीब गजीब हाई गया था थोड़ा कट ऑफ, तो ये सब डिटेल अपना यहाँ से दिखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, कोई कमेंट आराम से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।